नई सुबह की ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है, उल्टी गंगा बह सकती है। कॉलम निगार हैं सुहेल वड़ाइच और आवाज है मलीहा अमीन की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। कहने को क्या नहीं हो सकता, उल्टी गंगा बह सकती है। लेजर गनों और ड्रोन के दौर में तीर और तलवार से जंग लड़ी जा सकती है। बुलेट ट्रेन और तेज तरीन कारों की मौजूदगी में बैलगाड़ी पर शहर जाया जा सकता है। मुहासिब लिबास पहनने के बजाय लंगोट पहनकर फिरा जा सकता है। पुख्ता घरों को छोड़कर गारों में पनाह ली जा सकती है। और अगर हम करने पर आ जाएं तो हम 18वीं तरमीम भी खत्म कर सकते हैं। जमाने की चाल देखें तो दरियाओं को उल्टा चलाने के बजाय पानी की मैनेजमेंट ऐसे की जाती है कि उनका सफर पहाड़ से ढलवान की तरफ कुदरती बहाव के मुताबिक हो। इसीलिए आज तक किसी एक ने उल्टी गंगा बहाने की कोशिश नहीं की। इसी तरह लोग तलवारबाजी और तीरंदाजी शौकिया तो सीखते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक गन्स के इस दौर में कोई तलवार और तीर से दुश्मन का मुकाबला नहीं करता। वो दौर अब लद चुका। अल्लामा इकबाल के उस्ताद मीर हसन सियालकोट से अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान से मिलने के लिए बैलगाड़ी में गए और कई दिन में वहां पहुंचे। अब कोई भी जी होश कारों और बसों को छोड़कर बैलगाड़ियों पर सफर नहीं करता। ये जमाना कब का गुजर चुका। सखर बैराज तामीर होना शुरू हुआ तो वादी सिंध के बाशिंदों की पहली दफा तस्वीर बनी। सब ने उस वक्त लंगोट पहन रखी थी, मगर अब शायद ही आपको शहर में कोई शख्स लंगोट पहने नजर आए। और अगर कोई नजर आएगा तो वो मखबूतुल हवास होगा। अंदाज बदल गए, वक्त बदल गया। कभी इंसान गारों झोपड़ियों और कच्चे मकानों में रहता था, अब उसने ठिकाना बदल लिया। इन्हीं बदलते तकाजों के तहत मुल्कों और तहजीबों ने इख्तियारात और इर्तकास के बजाय इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली का उसूल अपना लिया। पहले मजबूत मरकज का तसव्वुर था, फिर सूबे मजबूत किए गए और अब दुनिया भर में इख्तियारात मजीद नीचे यानी बल्दियाती सतह पर मुंतकिल किए जा रहे हैं। सारी दुनिया में यही रुझान है, मगर हम 18वीं तरमीम खत्म करके सूबों को दिए गए इख्तियारात वापस मरकज के लिए लेना चाहते हैं। ऐसा मुमकिन तो है, मगर ये तारीख के धारे के खिलाफ चलने के मुतरादिफ होगा। ये तारीख का पहिया उल्टा घुमाने की तरह होगा। बाप बेटे को एक बार इख्तियार दे दे, विरासत दे दे, तो उससे वापस लेनी नामुमकिन हो जाती है। मरकज सूबों को माली और इंतजामी इख्तियारात देकर वापस लेना चाहता है। ऐसा रजामंदी और खुशी से होना मुमकिन नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड के ममालिक अमरीका, बरतानिया, यूरोप और स्कैंडिनेविया के तमाम ममालिक में ज्यादातर इख्तियारात बल्दियाती इदारों के पास हैं। फिर रियासतें या सूबे हैं, वो भी ताकतवर हैं, हर जगह पर मुतहर्रिक मरकज है, मगर उसके पास माली और इंतजामी इख्तियारात कम हैं। हाँ, उसके पास खारजा और दिफा के उमूर के मुकम्मल माली और इंतजामी इख्तियारात हैं। सन 1973 के आइन की तश्कील के वक्त सूबों की खुद मुख्तारी पर काफी इख्तलाफात थे। सिंध, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा के रहनुमा सूबों को ज्यादा इख्तियारात देने के हामी थे। बिला आखिर ये तय हुआ कि 10 साल के लिए उबूरी तौर पर ये इख्तियारात मरकज को दे दिए जाएं। बाद अज़ा सूबों को ये इख्तियारात मुंतकिल कर दिए जाएंगे, मगर ये 10 साल फैलते फैलते चार दिहाइयों पर मुहित हो गए और फिर कहीं 18वीं तरमीम के बाद ये इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हुए। आजकल फिर बहस चली हुई है कि ये 18वीं तरमीम खत्म करके मरकज को दोबारा मजबूत बनाया जाए। क्या हम बलूचिस्तान के एहसास महरूमी, पश्तून जद्दोजहद और सिंधी शिकायत को नज़रअंदाज कर देंगे? ऐसा मुमकिन नहीं होगा। अलमिया मशरकी पाकिस्तान सूबाई खुद मुख्तारी ना देने का ही नतीजा था। इससे सबक सीखकर सन 1973 का आइन बनाया गया और फिर 18वीं तरमीम के जरिए छोटे सूबों को मुतमईन किया गया। 18वीं तरमीम के बाद ये जायज सवाल उठा के सूबों के पास वसाइल तो आ गए, लेकिन वहाँ सलाहियत की कमी है जिसकी वजह से वसाइल का जिया हो रहा है। बज़ाहिर ये बात दुरुस्त लगती है, लेकिन इसका हल ये है कि सूबों की सलाहियत बढ़ाई जाए, वफाक से सूबों को तरबियत दिलाई जाए, ना कि सबको छीन कर दोबारा मरकज की तरफ ले जाया जाए। सूबों में इंतजामी, माली और बल्दियाती उमूर के बारे में अंडरस्टैंडिंग और सलाहियत ही इस पेचीदा मसले का असल हल है। 18वीं तरमीम का मकसद मरकज से सूबों की तरफ इख्तियारात की मुंतकली था। अब एक ऐसी तरमीम आनी चाहिए जिससे माली और इंतजामी इख्तियारात सूबों से इजला और फिर इजला से ग्रास रूट लेवल की तरफ जाएं। यही वो इकदामात हैं जिनके जरिए हम आवाम को बाइख्तियार कर सकते हैं और उनके मसाइल मकामी सतह पर हल कर सकते हैं।
मगर जिस तरह बाकी मामलात में उल्टी गंगा बह रही है, वैसे ही बल्दियाती इदारों के साथ सुलूक हो रहा है। कहीं भी उन्हें चलने नहीं दिया गया। यूनियन काउंसिल का इदारा अपनी जड़ें कायम कर चुका था, इसका पूरा दफ्तरी निजाम कायम था। अब उसे बैग जंबिश कलम खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह जो निजाम आएगा उसका कुछ इल्म ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसा ही किया गया था, मगर अभी तक वहाँ यूनियन काउंसिल की जगह बनाए गए इदारे अपने दफ्तर तक नहीं बना सके। बराए करम यूनियन काउंसिल, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, टाउन कमेटी, म्यूनिसिपल कमेटी और कॉरपोरेशंस के बरसों से कायमशुदा ओहदों और दफातर के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, बल्कि उनकी पहचान बाकी रखी जाए। अलबत्ता इन ओहदों या दफातर में अगर कहीं कारगर्दगी की कमी है तो उसे जरूर बेहतर बनाया जाए। नए महकमे बनाने या पुराने ओहदों के नाम नए रखने से कारगर्दगी बेहतर नहीं होती, बल्कि लोगों के लिए पेचीदगियां बढ़ जाती हैं। FIA की मौजूदगी में नैब बनाकर मामलात सीधे नहीं बल्कि पेचीदा हुए हैं। काश हम उल्टी गंगा ना बहाएं, जो दुनिया में हो रहा है उसी को अपना लें तो हमारे 90% मसले हल हो जाएंगे। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। हमारे कंटेंट से मुतालिक अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।